ये हम आ चुके हैं एनएसपी, एनएसपी से पिंक लाइन के लिए बढ़ते हुए। और ये हेलो गाइस, हम आ चुके हैं निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। ये मेरा भाई साथ में है और हम आ ही गए हैं निजामुद्दीन स्टेशन। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान। निजामुद्दीन एंड एक मिनट रुको यार, एक मिनट ये कह रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हेलो गाइस, हम आ गए हैं निजामुद्दीन, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। माम जी माम बिंग बिंग बो तंग तंग सस्ते न से तार चिपक गई छाती से बो तंग तंग सस्ते न से तंग तंग तार है ढीली कौन कसे। Many hours later. हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त व्लॉगिंग हिमांशु। तो अभी हम टिकट वगैरह ले रहे हैं मेरे दोस्त वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी वेट कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आ चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं हम आगरा ताजमहल में। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताजमहल और ये है मेरे पीछे ताज म्यूजियम। ये देखो, ये ताज म्यूजियम है और मेरे दोस्त वगैरह भी अभी मेरे साथ में आए हैं। तो अभी दिखाता हूँ जैसे ही थोड़ा ताजमहल की तरफ को बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा घूम लेते इधर उधर तब तक। तो हम बढ़ते हुए ताजमहल की तरफ को, और बाकी ये हमारा नया दोस्त है कुलदीप भाई। हम आ गए हैं और पीछे ताजमहल भी दिख ही रहा होगा आपको। धूप काफी हो रही है यार, बाकी बहुत ज्यादा भीड़ है। देखो यार, मेरे सामने ताजमहल है और ये पीछे मस्जिद है। तो अभी घूम रहे हैं मेरे दो दोस्त, तीन दोस्त हैं, वो घूम पता नहीं कहाँ भटक गए हैं, तो उनको ढूंढना भी है। और अभी ताजमहल के सामने ही खड़ा हूँ मैं। बस हम भी शायद बना देते किसी के लिए कुछ, बस कोई है ही नहीं, सिंगल ही है। गजब बेइज्जती है। सो हम आ गए हैं ताजमहल पे, एज यू कैन सी देयर।
आई मीन देयर। ओके सो ये एक प्यार की निशानी है जो कि शाहजहां ने बनाई थी मुमताज के लिए। और जा पूछ क्या, शाहजहां जो कि बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से, अपनी बेगम से। और हमने भी एक प्यार का नया वर्ड सीखा है आज तमिल में, विच इज नाण उन्नई निच्ची किरण, जो कि आई लव यू होता है तमिल में। ये इधर लड़की के चक्कर में सीखा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। यहाँ पे कुछ खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं जिनको देख के सिर्फ एक ही चीज निकल रही है मेरे मुंह से, विच इज नाण उन्नई निच्ची किरण। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, नहीं। जैसे कि हमने अभी ताजमहल में जाने के लिए हमने अभी टिकट्स परचेज करी है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पहले ताजमहल में आओ, वहाँ पे टिकट लो, फिर उसके बाद ताजमहल में अंदर जाने के लिए भी टिकट लो। तो ले लिए टिकट हमने 5 दोस्तों ने, और ये मिल भी चुके हैं हमारे दोस्त जो कि खो गए थे थोड़ी देर पहले। तो हम जा रहे हैं ताजमहल की ओर। हमने 200 रुपये दिए हैं इस जगह के लिए जहाँ पे हम ताजमहल के ऊपर अभी घूम रहे हैं फिलहाल। तो ये हमारे टिकट का प्राइस 200 रुपया। सो है तो काफ़ी ब्यूटीफुल। आखिरकार हम आ ही गए ताजमहल के अंदर, और ज़्यादा कुछ है नहीं खास इतना, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आएगा तो उसको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं तो पहले भी आ चुका हूँ तो अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि कारीगरी ये अलग ही डांसर है ये तो अपना रही। एक कहाँ गया हुआ तरंगी, ये तरंगी दूसरे की फोटो कैम छो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है अंकल? अच्छा ये फोटोग्राफी करने आया इधर, ये देख रहे हो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये ताजमहल में आके आशिकी कर रहे हैं ये। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और दोस्तों ताजमहल में चलने के लिए एक हमें रैप मिला, शू रैप कह सकते हो, तो शू रैप आई थिंक, तो इसको पहन के ही ताजमहल पे आते ज़्यादातर लोग, लेकिन यहाँ तो बिना उसके भी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से, देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं यार डेली बेसिस पे इधर, 40 से 50 हज़ार लोग तो आ ही जाते हैं। बाकी ये पता नहीं क्या रिवाज है इधर यहाँ से फोटो खींचने का, तो मैं अपने भाई की फोटो खींच रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ से। यहाँ से फोटो वोटो खींचते हैं तो अच्छी आती है कहते हैं। नहीं। हेलो दोस्तों, अभी हम अंदर गए थे ताजमहल के अंदर, तो वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, जहाँ पे हमें पुलिस अंकल ने एक बार रोक भी दिया था, लेकिन इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, कबर है बेसिकली बीच में, और उसके आसपास घुमाते रहेंगे 2-3 चक्कर, बस हो गया ताजमहल के ज़्यादा अंदर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा। और ये हम एग्जिट होते हुए ताजमहल से नीचे को जाते हुए, ये हमारे शू कवर अब हम उतार रहे हैं। Thank you.
सरक पर सबर कराए सरक सरक